सो हे गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही ड्रावनी और दिल दहला देने वाली हॉरर मूवी की स्टोरी को, जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो इस कहानी को एंड तक जरूर देखना और अगर डर लगे तो पानी पीना। कहानी की शुरुआत में कुछ दोस्तों के ग्रुप को दिखाते हैं, जो आज अपने दोस्त एलिस का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए एक रेंटेड मैंसन में आए हुए थे। ये सभी लोग इस शहर से काफी दूर आए हुए थे, क्योंकि ये लोग अपनी दोस्त की बर्थडे पार्टी में पूरी तरह से एंजॉय करना चाहते थे। लेकिन एंजॉय करते करते इन सभी के ड्रिंक्स खत्म हो जाते हैं। दोस्त के बर्थडे पार्टी में ड्रिंक्स का खत्म होना यानी कि इनके लिए अब सर्च प्रोग्राम चालू होगा। होता भी ऐसा ही है। ये सभी लोग मिलकर उस मैंसन में खोजबीन शुरू कर देते हैं। जल्द ही ये सभी एक बेसमेंट के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं, जिस पर कीपॉट लिखा होता है, जिसका मतलब कि इन्हें बेसमेंट में नहीं जाना चाहिए, खासकर जब गेट के बाहर ही लिखकर मना किया गया हो। लेकिन एलिस के दोस्त ये सब कहां मानने वाले थे। वो सभी लोग बेसमेंट के अंदर चले जाते हैं। बेसमेंट में कई सारी पुरानी चीजें मिलती है। इन्हीं सब पुरानी चीजों के बीच बैकस्टोन को एक वुडन बॉक्स मिलता है, जिसे खोलने पर उसमें से कुछ हैंडमेड टैरो कार्ड्स रखे निकलते हैं। यह मौजूद सभी दोस्तों को पता था कि हाले हॉरोस्कोप रीड कर सकती है, इसलिए सभी लोग हाले को उनका हॉरोस्कोप रीड करने के लिए कहते हैं। लेकिन हाले बताती है कि हमें किसी और का कार्ड से अपना हॉरोस्कोप नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन बर्थडे गर्ल के कहने पे हाले मान जाती है। इसमें सबसे पहला नाम एलिस का ही आता है, क्योंकि आज उसका बर्थडे है। हाले उसका हॉरोस्कोप रीड करने लगती है, जिसके हिसाब से 12 कार्ड को सर्किल शेप पे रखेंगे और वही 13वां कार्ड बीच में रखा जाएगा। एलिस का कार्ड हाई प्रिस्ट का निकल कर आता है। हाले उसे बताती है कि तुम चीजों को जानने के लिए जिज्ञासु रहती हो, लेकिन यही बात तुम्हारे लिए खतरा भी बन सकता है। सफलता की सीढ़ियों पे आराम से चढ़ना, वरना फिसल जाओगी। अब नंबर आता है मैडलिन का। इसका आखिरी कार्ड था हैंगमैन। हाले उसे बताती है कि टेक्नोलॉजी फेलियर देखने को मिल सकती है, लेकिन तुम घबराना नहीं, हड़बड़ाहट में कोई काम मत करना और कहीं लटक मत जाना। इसके बाद पेग की बारी आती है। पेग के लिए फाइनल कार्ड मैजिशियन का आता है। हाले उसे बताती है कि तुम्हें चीजों को समझने में मुश्किल होगी और तुम्हें ऐसा लगेगा कि कोई तुम्हें दो हिस्सों में बांट रहा है। इसके बाद पैकस्टोन सामने आ जाता है। हाले उसके लिए कार्ड निकालती है। उसका कार्ड निकलता है फूल का। इसे देख हाले उसे बताती है कि घबराहट में कोई कदम मत लेना, अपने करीबियों पर भरोसा रखना और तुम कहीं ना कहीं से अपने दोस्तों के लिए आ ही जाओगे। इतना सुनने के बाद अब बारी आती है लुकस की। हाले उसके लिए जो कार्ड निकालती है वो होता है हर्मिट का। इससे हाले उसे बताती है कि जल्द ही तुम्हें कुछ फाइनेंशियल लाभ होने वाला है, प्यार के जो रास्ते खुल रहे हैं वो सोच समझ के चलना, और हर्मिट की लाइट तुम्हें गलत राह पे ले जा सकती है। बड़े आश्चर्यजनक रूप से ग्रांट भी अपना हॉरोस्कोप चेक कराने आ जाता है। लेकिन यहाँ एक बात जानने वाली है कि यहाँ आने से पहले ग्रांट और हाले का ब्रेकअप हो गया था। ग्रांट के लिए डेविल का कार्ड सामने आता है। हाले उसे बताती है कि तुम अपने रिश्ते खराब कर रहे हो, तुम्हें अपने पापों का सामना करना होगा और हो सकता है कि तुम अपने किसी प्रिय साथी को खो दो। ये सब सुनकर ग्रांट गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि हाले जानबूझकर उसके लिए उल्टी सीधी बातें बोल रही है। इसलिए ग्रांट हाले को चैलेंज करता है कि तुम अपना हॉरोस्कोप क्यों नहीं देखती। इन सब बातों से हाले को काफी दुख होता है, क्योंकि ये सब वो उनके ही कहने पे कर रही थी और ग्रांट उल्टा उस पर ही इल्जाम लगा रहा था। इसलिए हाले अपना भी हॉरोस्कोप चेक कर लेती है, लेकिन सबसे अजीब कार्ड उसी के लिए निकलता है। उसका कार्ड था डेथ का, जिसका साफ साफ मतलब है मौत या एक नई शुरुआत, जो हम आगे समझेंगे। मगर इसके बाद सभी लोग अपने घर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में वो सभी लोग एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं। गैस स्टेशन पर एक स्क्रैच कार्ड गेम में लुकस $700 जीत जाता है। अब फ्री के पैसे किसको अच्छे नहीं लगते। वहीं पैकस्टोन क्राइम थ्रिलर पॉडकास्ट सुन रहा था। सबको घर छोड़ने के बाद एलिस अपने होटल चली जाती है। रात को जब वो रूम में जाती है, तब उसे एक सीढ़ी दिखाई देती है जो ऊपर एटिक से निकल रही होती है। लेकिन हाले ने बोला था कि क्यूरियोसिटी खतरनाक
खतरनाक हो सकती है, इसलिए एलिस इसे ऊपर करके अपने रूम में चली जाती है। मगर तभी अचानक उसके दरवाजे पर जोर से कोई नॉक करता है, जिसे देखने के लिए वो अपने कमरे से बाहर निकल आती है। लेकिन ना जाने कैसे सीढ़ियां फिर से नीचे आ गई थी, इसलिए एलिस एटिक को चेक करने के लिए सीढ़ियों की मदद से ऊपर चढ़ जाती है। लेकिन यहां तो उसका इंतजार हाई प्रिस्टेस कर रही थी। जैसे ही एलिस चिल्लाती है, वो शैतान उसके ऊपर सीढ़ियों से वार करके उसे मार डालती है। अब ये जो भी हो रहा है वो सब हॉरोस्कोप के मुताबिक ही हुआ है। कैसा कोइंसिडेंट है, ये कल ही बर्थडे था और आज क्या हो गया। अगले दिन ये खबर बाकी दोस्तों को मिलती है। सभी लोग पेग के घर पर आकर रुकते हैं और काफी दुखी होते हैं। लेकिन इस मौत पर किसी का भी ध्यान कार्ट की तरफ नहीं जाता, सबको ये बस कोइंसिडेंट ही लगता है। सारी बातचीत खत्म होने के बाद सभी लोग अपने अपने घर को निकल जाते हैं, लेकिन हाले अपनी गर्लफ्रेंड पेज के साथ रुक जाती है। हाँ, ये सब अमेरिका में नॉर्मल है। खैर, सबके जाने के बाद लुकास मैडलिन को छोड़ने के लिए उसके साथ उसके घर तक चला जाता है। आखिरकार भाई को बंदी जो सेट करनी है। लेकिन यहाँ से वापस निकलते ही लुकास के पीछे हर्मिट पड़ जाता है। वो काफी देर तक लुकास का पीछा करता है। लुकास रेलवे लाइन पर हर्मिट की लाइट से कंफ्यूज होकर रिस्ट्रिक्टेड एरिया में चला जाता है, जहाँ हर्मिट उसको आकर तब तक डराता है जब तक कि वो एक ट्रेन से टकरा नहीं जाता। जल्द ही ये खबर भी दोस्तों तक पहुँच जाती है, लेकिन इस बार हैली का दिमाग बजता है और उसे समझ आ जाता है कि ये सब हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग ही हो रहा है, क्योंकि दो दिन के अंदर दो लोगों का मरना, वो भी जैसा उसने प्रिडिक्ट किया था वैसा ही, ये कोई कोइंसिडेंट तो नहीं हो सकता। इसलिए पुलिस भी आकर उनकी काउंसलिंग करते हैं। हालांकि पैक्सटन को ये सब एक सीरियल किलर का काम लगता है, क्योंकि उसे सीरियल किलिंग की पॉडकास्ट सुनना काफी पसंद था। खैर, सब लोग समझ चुके थे कि ये मामला गड़बड़ है, इसलिए ये सब मिलकर ऑनलाइन मदद खोजना शुरू कर देते हैं। यहाँ इन्हें एल्मा स्टोन नाम की एक लेडी मिलती है, जो इन सब चीजों में एक्सपर्ट है। ये लोग मिलकर एल्मा का कॉल ट्राई करते हैं, लेकिन इससे बात नहीं बनती, इसलिए ये लोग अपनी गाड़ी लेकर एल्मा के घर की तरफ निकल जाते हैं। एल्मा का घर शहर से दूर घने जंगलों में होता है। शुरुआत में तो एल्मा इनकी कोई बात नहीं सुनती, मगर जब हाले उसे बताती है कि टैरो कार्ड के वजह से हमारे दोस्तों की जान जा रही है, तब जाकर वो बाहर आती है। हाले उन्हें बताती है कि कैसे कार्ड की वजह से उनके दोस्तों की जान जा रही है। एल्मा उन्हें बताती है कि वो कार्ड स्थापित है, इन कार्ड ने कईयों की जान ले रखी है, मगर 1988 में एक व्यक्ति था जो इन कार्ड से बच पाया है, और वो एल्मा खुद है। दरअसल उस समय एल्मा ने अपने दोस्तों का हॉरोस्कोप चेक किया था, मगर अपना हॉरोस्कोप चेक नहीं किया, जिस वजह से एल्मा बच पाई। लेकिन जब तक एल्मा को समझ आया तब तक वो कार्ड जा चुके थे। एल्मा तब से ही उन कार्ड को नष्ट करने के लिए ढूंढ रही थी। अब सवाल आता है कि आखिरकार ये कार्ड स्थापित हुए कैसे। एल्मा आगे बताती है कि इतने समय से वो इसी पर रिसर्च कर रही है। दरअसल ये बात 18th सेंचुरी की है, जहां हंगरी का राजा जल्द ही पिता बनने वाला था, इसलिए उसने खास एस्ट्रोलॉजर को बुलाकर अपनी बीवी और बच्चों का भविष्य बताने को कहा। लेकिन एस्ट्रोलॉजर के कई कोशिशों के बाद भी हर बार जवाब एक ही आया, डेथ। राजा ने इस बात से नाराज होकर उस एस्ट्रोलॉजर को उसकी बेटी के साथ राज्य से बाहर निकाल दिया। जल्द ही वो समय भी आता है जब रानी बच्चे को पैदा करने वाली होती है, मगर होता वही है जो एस्ट्रोलॉजर ने बताया था। माँ और बच्चे दोनों का जन्म के समय ही डेथ हो जाती है। इस बात से राजा पूरी तरह गुस्से से पागल हो जाता है, इसलिए वो अपने सैनिकों को एस्ट्रोलॉजर और उसके बच्चे को मारने का हुक्म दे देता है। राजा के सैनिक उस एस्ट्रोलॉजर के सामने ही उसकी बच्ची को मार देते हैं और उसे भी अधमरा कर देते हैं। लेकिन मरने से पहले वो एस्ट्रोलॉजर खुद उन टैरो कार्ड को बनाता है, उससे राजा और उसके सैनिकों की रीडिंग करके एक ब्लैक मैजिक के अनुसार अपनी जान दे देता है, ताकि उसकी आत्मा उन कार्ड से जुड़ जाए। इसके कुछ समय बाद रीडिंग के अनुसार राजा और उसके सैनिक सभी लोग मारे जाते हैं, और तब से ही कार्ड स्थापित है। अब इस समय हाले और उसके दोस्त
डस्टबिन कार्ड्स की वजह से स्थापित हो चुके थे। इनसे बचने का एक ही तरीका है, जल्द से जल्द उन कार्ड को नष्ट कर दिया जाए। इसलिए इल्मा के साथ बाकी के सभी लोग कार में बैठकर उसी मैनसोन की तरफ निकल जाते हैं। बीच रास्ते में एक ब्रिज के ऊपर अचानक से इनकी कार बंद हो जाती है, यानी कि टेक्नोलॉजी फेलियर। ब्रिज प्रॉब्लम देखकर भागना नहीं, एक समझदार लड़की इस समय क्या करेगी। लेकिन मैडलिन ने ठीक उसका उल्टा किया, वो घबराकर कार से बाहर निकलकर ब्रिज पर भागने लगती है। तभी हैंगमैन वहां आकर ब्रिज पर उसे लटका देता है। अब तो सब ने हैंगमैन को भी देख लिया, सबकी डर के मारे हालत टाइट हो जाती है। इतना सब देखकर पैक्सटोन की भी हालत टाइट हो जाती है और अब वो उस जगह वापस नहीं जाना चाहता जहां से ये सब स्टार्ट हुआ था। इसलिए वो अपने सीरियल क्राइम पॉडकास्ट सुनते हुए वहां से घर की तरफ चला जाता है। ये भी ठीक अपने हॉरोस्कोप के उल्टा काम करता है, वो जल्द ही अपने घर पहुंचकर लिफ्ट के अंदर चला जाता है। इसके लिए भी हाले ने उससे मना किया था और मौका मिलते ही फूल उस पर हमला कर देता है। वही हाले ग्रांट एंड इल्मा ये तीनों उसी मैनसोन में पहुंचकर कार्ड को आग में जलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से एक भी कार्ड नहीं जलता। इस बात पर इल्मा बताती है कि क्योंकि इन कार्ड के साथ एस्ट्रोलॉजर की आत्मा जुड़ी हुई है, इसी वजह से ये कार्ड जल नहीं रहा, इसलिए हमें उसकी आत्मा को इनसे अलग करना होगा। इल्मा एक रिचुअल परफॉर्म करके उस एस्ट्रोलॉजर की आत्मा को बुला लेती है, लेकिन वो ये भूल गई थी कि उस एस्ट्रोलॉजर की आत्मा उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल है। एस्ट्रोलॉजर की आत्मा उल्टा इल्मा की ही रीडिंग कर डालती है, उसका कार्ड सिक्स सोड वाला निकलता है और तुरंत वही इल्मा के शरीर में सिक्स सोड घुसने से मौत हो जाती है। ये देख तीनों लोग हाली ग्रांट और पेज वहां से भागना चालू कर देते हैं। इसी दौरान पेज उन दोनों से अलग हो जाती है। यहां हमें पता है क्या होने वाला है। जी हां, तभी मैजिशियन आ जाता है और उसके हॉरोस्कोप के अनुसार उसे बॉक्स में बंद करके दो हिस्सों में चीर डालता है, इससे पेज की भी मौत हो जाती है। तभी अचानक हाले को आइडिया आता है कि अगर मैं एस्ट्रोलॉजर का हॉरोस्कोप रीडिंग करूं तो शायद हम बच सकते हैं, क्योंकि अगर एस्ट्रोलॉजर की आत्मा खत्म हो गई तो ये कर्स भी खत्म हो जाएगा। लेकिन इसी बीच डेविल आकर ग्रांट को अपने साथ लेकर चला जाता है, क्योंकि इसी भागम भाग के बीच डेथ और डेविल भी उनके पीछे पड़ गए थे। वहीं डेथ हाले पर हमला कर देती है। हाले खुद को बचाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन तभी ग्रांट जैसे तैसे खुद को डेविल से बचाकर हाले को डेथ की गिरफ्त से छुड़ा लेता है। रीडिंग के अनुसार ग्रांट को डेविल का सामना करना ही होगा, वरना वो प्यार खो देगा, इसलिए ग्रांट डेविल का सामना करना शुरू कर देता है। इसी बीच हाले एस्ट्रोलॉजर की रीडिंग कर देती है। एस्ट्रोलॉजर का भी डेथ कार्ड निकलता है, यानी उसको भी आज मरना होगा। इन लोगों ने तो डेथ का काम भी मुश्किल कर दिया, क्योंकि हाले और एस्ट्रोलॉजर का कार्ड सेम ही है, डेथ कार्ड। इसलिए डेथ भी एक प्लान बनाकर दोनों को साथ में ले जाने का प्लान बनाती है और उस एस्ट्रोलॉजर के साथ हाले पर हमला कर देती है। लेकिन एक बार फिर से ग्रांट बीच में आकर हाले को बचा लेता है और एस्ट्रोलॉजर की आत्मा को डेथ खत्म कर देती है। ऐसा करते ही वो टैरो कार्ड भी नष्ट हो जाता है, क्योंकि अभी तक एस्ट्रोलॉजर की आत्मा ही उन्हें नष्ट होने से बचा रही थी। देखा लापरवाही का नतीजा, इनकी एक छोटी सी गलती ने कैसे इनको मौत के घाट उतार दिया। खैर, इसी के बीच एक कार ग्रांट और हाले की तरफ चली आती है, जिसके रुकने पर उसमें से पैक्सटोन निकलता है। अब सवाल आता है कि वो फूल से बचा कैसे। यहाँ पैक्सटोन बताता है कि जैसे ही फूल लिफ्ट में आया, तभी उसके रूममेट ने लिफ्ट का दरवाजा खोल दिया, जिससे फूल गायब हो गया, यानी कि करीबियों पर भरोसा करना। पैक्सटोन रीडिंग के अनुसार अपने दोस्तों के पास वापस आ गया। खैर, इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। यहाँ हमें एक चीज सीखने को मिलती है कि किसी अनजान जगह पर दूसरे लोगों की अनजान चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसी के साथ हमारी कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना, और अगर आप एक ऐसे स्टोरी को सुनना चाहते हो तो वॉच नेक्स्ट पर क्लिक करो। सो वेल गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू, गुड बाय।